So today we will be studying about diuretics and antidiuretics. अब diuretics पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि diuretics होते क्या हैं। अब diuretics के बारे में थोड़ा सा brief आप लोगों को pharmacognosy में मिला होगा first year में। क्या होते हैं diuretics? Diuretics हमारे पास वो agents या वो drugs होती हैं जो हमारे पास क्या करती है, यूरिन का जो आउटपुट है या यूरिन की जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करवाने में हेल्प करती है। अब या फिर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आर कॉल्ड एज डायुरेटिक्स। तो डायुरेटिक्स हमारे पास क्या करते हैं, यूरिन की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। अभी हम जब बेसिकली डायुरेटिक्स का काम क्या होता है, हमारे जो यूरिन के अंदर में हमारे पास क्या क्या होता है, यूरिया होता है, उसके अलावा हमारे पास सोडियम आयन्स होते हैं और वाटर रिलीज होता है, राइट। तो हमारे पास नेट जो इनका काम होता है डायुरेटिक्स का वो क्या होता है, दे इंक्रीज द आउटपुट ऑफ सोडियम एंड वाटर। और हमारे पास अब यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, हमारे पास किडनी में होता है, राइट। और किडनी के अंदर हमारे पास जो मेजर हमारे पास जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है या फिर जो फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास, अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, हमारे पास यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, फिर उसके बाद में हमारे पास कॉन्कुलेटेड टिब्यूल होती है, नेक्स्ट हमारे पास लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद हमारे पास फिर से डिस्टल कॉन्कुलेटेड टिब्यूल होती है और अल्टीमेटली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। सो ये होता है हमारे पास नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में हमारे पास यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर हमारे पास ये बोमन्स कैप्सूल होता है। तो एक बार अगर इनिशियली एक बार रिकैप करें यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, तो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमारे पास मेजर क्या था, हमारे पास तीन हमारे पास प्रोसेसेस चलते थे। सबसे पहला आता है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड जो प्रोसेस आता है दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड आता है हमारे पास एक्टिव टिब्यूलर सिक्रीशन। अब क्या होता था हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास किडनी के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं वो हमारे पास ग्लोमेरुलस तक जाती हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होता है हमारे पास, ये जो बोमन्स कैप्सूल है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, वो इनिशियली हमारे पास सिंपल फिल्ट्रेशन करेगा एक बार। तो अभी ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है ये हमारे पास जो फिल्ट्रेशन करता है ये इनिशियल फिल्ट्रेशन कर देता है, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ये 125 ml पर मिनट की रेट से हमारे पास फिल्ट्रेशन करता है। तो 125 ml पर मिनट की अगर स्पीड है तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसको कैलकुलेट करें 125 ml अगर एक मिनट में हमारे पास फिल्टर हो रहा है तो हमारे पास एक दिन के अंदर कम से कम 180 liters जो है 180 liters हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन 180 liters हो जाएगी अगर हमारे पास सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो। लेकिन जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है दैट एक दिन में मैक्सिमम हमारे पास 2 to 3 liters ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब ये हमारे पास आगे जो प्रोसेसेस चलते हैं, जो ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है और जो हमारे पास सिक्रीशन, जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो आयन्स हैं उन और वाटर मॉलिक्यूल्स की हमारे पास वापस या तो रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है या तो हमारे पास जो आयन्स हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं जो वेन्स हैं उनके अंदर, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है जो टिब्यूल्स हैं वो फर्दर हमारे पास सिक्रीशन कर देती हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो अब हमारे पास जो डायुरेटिक्स है वो मेजरली क्या काम, कैसे काम करेंगे, वो इसी जो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसी के ऊपर एक्ट करेंगे और हमारे पास यूरिन की जो फॉर्मेशन का अमाउंट है उसको इंक्रीज करवा देंगे। तो अब डायुरेसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डायुरेटिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है।
तो डायबिटिक्स को हम मेजरली फोर क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास वीक डायबिटिक्स। अब वीक डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास ऑस्मोटिक डायबिटिक्स, एसिडिफाइंग और अल्कलाइजिंग एजेंट्स, उसके अलावा ज़ैंथीन्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडरेटली इफेक्टिव डायबिटिक्स। मॉडरेटली इफेक्टिव डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास बेंजोथायडाजीन्स और थायाजाइड लाइक डायबिटिक्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेरी पोटेंट डायबिटिक्स। वेरी पोटेंट डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास लूप डायबिटिक्स आती है। और लास्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज पोटेशियम रिटेनिंग डायबिटिक्स। अब इन डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली क्लास है दैट इज वीक डायबिटिक्स, उसके अंदर हमारे पास आता है ऑस्मोटिक डायबिटिक्स। अब ऑस्मोटिक डायबिटिक्स का क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? ऑस्मोटिक डायबिटिक्स के अंदर हमारे पास एजेंट्स आते हैं, सबसे पहले आता है वॉटर। वॉटर के अलावा हमारे पास मैनिटोल, सब्सटेंसेस हैं जो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स हैं, ये हमारे पास
ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ये हमारे पास प्रेशर डालेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन को किसी ना किसी तरीके इंक्रीज करेंगे। और हमारे पास जब ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स के अमाउंट यूरिन के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, यूरिन की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो जाता है हमारे पास, यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो प्रॉक्सिमल जो हमारे पास पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल होता है, और जो लूप ऑफ हेनले होता है, वो क्या उनके अंदर क्या होने लग जाता है हमारे पास, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन लिमिटेड है, उसकी वजह से जो यूरिन का वॉल्यूम हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो होगा वो भी हमारे पास फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर ड्रग्स कौन सी आती है, सबसे पहला एजेंट आता है हमारे पास वाटर। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल है कि अगर हम वाटर इनटेक इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर जो है, अब वाटर हमारे पास एक ट्रू और फिजियोलॉजिकल डायुरेटिक है। जब हमारे पास वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास यूरिन का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हैं वो हमारे पास वाटर के अंदर डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। और हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर यूरिनरी हमारे पास किडनी के अंदर रीनल कैलिक्यूली हो जाती है, फिर स्टोन हो जाता है, तो उसको वॉश आउट करने के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास वाटर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि वाटर का जो इंटेक है उसको इंक्रीज करवाया जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनिटॉल। अब मैनिटॉल क्या होता है, मैनिटॉल हमारे पास एक फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और ये जो हमारे ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स है इनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायुरेटिक है। इसकी जो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर और ये रीअब्सॉर्ब भी नहीं होता। तो अब ये क्या करता है हमारे पास, जब हम आईवी के थ्रू 500 टू 1000 ml ऑफ जब मैनिटॉल हम 10-20% जब मैनिटॉल 24 आवर्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उसको इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो इंट्राऑक्युलर और सेरिब्रल प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करता है, और हमारे पास बारबिट्यूरेट्स होते हैं या फिर अदर जो हमारे पास पॉइजनिंग सब्सटेंसेस हैं उनको उनका जो एक्सक्रीशन है उसको हमारे पास इंक्रीज करवाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो रीनल फेलियर है और जो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उनके अंदर हमारे पास जो मैनिटॉल है उसको हास्टन करवाता है। जो हमारे पास एन्यूरिया है और हमारे पास ट्यूबुलर नेक्रोसिस जैसे कंडीशंस के अंदर जो मैनिटॉल है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो हमारे पास मैनिटॉल के देखने को मिलते हैं दैट इज हेडेक कॉज करता है मैनिटॉल। अब उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट आते हैं दैट आर आइसोसॉर्बाइट एंड ग्लिसरॉल। अब आइसोसॉर्बाइट और ग्लिसरॉल के केस में हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट ऑरली एक्टिव जो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स हैं वो हमारे पास आइसोसॉर्बाइट और ग्लिसरॉल है, और इंट्राऑक्युलर प्रेशर और इंट्रा क्रेनियल टेंशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए आइसोसॉर्बाइट और ग्लिसरॉल जो है यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स। अब एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सिट्रेट। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सिट्रेट। तो अब जो ये अल्कलाइनाइजिंग या एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये ड्रग्स हमारे पास पीएच जो है ब्लड का उसको चेंज कर देते हैं। अब जब हमारे पास पीएच चेंज जाता तो अगर हम अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल दें तो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, हमारे पास अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा बॉडी के अंदर, और उसके बाद हमारे पास फर्दर अमोनियम क्लोराइड जो है जो अमोनिया रिलीज होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा, और जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो जो पीएच है ब्लड का और जो पीएच है यूरिन का वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास
जब पीएच लो हो जाता है या फिर पीएच हाई हो जाता है तो वो हमारे पास मिनिमल डायूरेटिक इफेक्ट देता है, यानी कि हमारे पास पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे पास जो वाटर जो यूरिन फॉर्मेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो ये एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज नहीं किए जाते, क्योंकि जो इनका इफेक्ट है वो हमारे जो इनका डायूरेटिक इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। हमारे पास इनका जो डायूरेटिक इफेक्ट है वो मिनिमल आता है, और उसके अलावा जो अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स हैं और जो एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास मेजरली यूज किए जाते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक ड्रग की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाना हो। जैसे हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास अगर एसिडिक पीएच है तो एसिडिक पीएच के अंदर हमारे पास ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सक्रीट हो जाती है या ज़्यादा हमारे पास अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि जो एसिडिक ड्रग्स होंगी वो एसिडिक ड्रग्स हमारे पास एसिडिक पीएच के अंदर अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहती है, और हमारे पास हमारी ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है वो जनरली हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसलिए अगर हमने अपनी एसिडिक ड्रग्स का एक्सक्रीशन इंक्रीज करवाना है तो हमें यूरिन का जो पीएच है वो बेसिक करवाना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये जो एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स हैं वो यूज होते हैं टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स जो कि हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स। अब ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास थियोफिलिन एजेंट आता है, हमारे पास वो भी इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली अभी हम डायबिटिक का हमारे पास इफेक्ट आ जाएगा।
ऑक्सलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो है वो हमारे पास मेन ड्रग है। एसिटाजोलामाइड और इथॉक्साजोलामाइड, अब उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है मॉडरेटली इफेक्टिव डायुरेटिक्स के अंदर बेंजोथायाडाइजीन्स। अब बेंजोथायाडाइजीन्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो आते हैं क्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायासाइड के अलावा हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायासाइड आता है, अब थायासाइड लाइक डायुरेटिक्स जो आते हैं इसके अंदर हमारे पास क्लोरथालिडोन और मिटोजोला, क्लोर थालिडोन ड्रग आती है और मिटो ड्रग आती है। उसके अलावा इथिक्राइनिक एसिड ड्रग आती है, अब लास्ट जो हमारे पास ड्रग आती है पोटेशियम स्पेयरिंग या फिर पोटेशियम रिटेनिंग डायुरेटिक्स, इसके अंदर हमारे पास आता है स्पायरोमोलेक्टोन और एमिनोराइड। सो इस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट क्लास जो है जो वीक डायुरेटिक्स हैं जिसके अंदर ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स, ज़ैंथीन्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, और अब इनके अंदर एक ब्रीफली एक बार बताते हैं ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स क्या करते हैं। ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करवा देते हैं क्योंकि इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, हमारे पास यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करवा देते हैं क्योंकि इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। अब उसके बाद एसिडिफाइंग और अल्कलाइनाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास पीएच को चेंज करते हैं और पीएच चेंज होने की वजह से हमारे पास रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से इसको वीक डायबिटिक्स के अंदर डालते हैं। अब उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास ज़ैंथीन्स। ज़ैंथीन्स क्या करते हैं, हमारे पास स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो यूरिनरी ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन है यूरिन का वो इंक्रीज हो जाता है। अब उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वो क्या करते हैं, एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हमारे पास इनहिबिट हो जाती है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करवा रही थी, हमारे पास सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्सॉर्प्शन एनहांस करवा रही थी। तो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास जो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे पास यूरिन का जो फ्लो है, यूरिन का जो अमाउंट है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉडरेटली इफेक्टिव डायुरेटिक्स और बाकी की जो क्लासेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।